एबीपी न्यूज एंकर रुबिका लियाकत ने बिजली पर पूछा सवाल, ध्रुव राठी के जवाब से मचा हंगामा। भारत फिलहाल झुलसा देने वाली गर्मी का सामना कर रहा है। पारा लगभग हर दिन पिछले दिन से अधिक दर्ज हो रहा है, साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। इनकी वजह से बिजली मांग में अप्रत्याशित उछाल आया है, लेकिन कोयले की कमी एक समस्या बनकर सामने खड़ी हो गई है। वहीं कोयला मंत्रालय ने कहा कि जो राज्य कोयले की कमी की शिकायत कर रहे हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है। देश के कई राज्य बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। इस बीच एबीपी न्यूज एंकर रुबिका लियाकत के शो का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एंकर के पोस्टर पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी तंज के अंदाज में जवाब दिया है। रुबिका लियाकत के पोस्टर की हेडलाइन में लिखा है, देश में बिजली संकट का जिम्मेदार कौन, घंटी बजाओ। एंकर रुबिका लियाकत के इस पोस्टर पर जनता ने दिलचस्प रिएक्शंस दिए हैं। वहीं ध्रुव राठी ने इसका जवाब देते हुए लिखा, नेहरू। ध्रुव राठी के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी जबरदस्त रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, हो सकता है इस बार भी पाकिस्तान जिम्मेदार हो। वहीं एक और यूजर ने लिखा, नेहरू और भारत के मुसलमान। वहीं एक और यूजर ने लिखा, कोयला संकट तो शाहरुख खान के कारण आया है, उसने एक फिल्म में कोयला खा लिया था। वहीं एक और यूजर ने कहा, देश की गोदी मीडिया जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, गजब का बेवकूफ बनाते हैं जनता को। वहीं एक और यूजर ने लिखा, नेहरू इतना जिम्मेदार आदमी मैंने नहीं देखा। वहीं एक और यूजर कहते हैं, पत्रकारों को चाहिए कि सरकार से इतनी बिजली की तो मांग करे कि जितने में हम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का डिबेट देख सके। वहीं एक और यूजर ने कहा, कांग्रेस कोयला बैंकों में जमा कर रखा है नेहरू जी के ही जमाने से, नेहरू जी का हाथ है इसमें। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि मीडिया जगत से जुड़ी हर वायरल न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके।